रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को केदारनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर कुछ देर धरना देकर वीआईपी दर्शन का विरोध किया। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के विरोध में नारेबाजी भी की और सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक मांग पत्र भी भेजा। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए। वीआईपी दर्शन के कारण लाइन में लगे भक्तों को घंटों तक दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही मंदिर समिति अपने लाभ के चक्कर में शासन के निर्देशों का अवहेलना कर रही है। रुद्रप्रयाग से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। हम राजस्थान से पैदल आए हैं और हमें दर्शन नहीं हुआ अभी तक, और जो वीआईपी आ रहे हैं उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। भाई साहब, आज सुबह जो है एक लड़के ने 4-5 लोगों को अंदर जाते हुए देखा, पुलिस वाले और यहाँ के जो दलाल है उन्होंने अंदर किया तो उसने विरोध किया तो उसको लाठी से मारा गया, खून उसके निकला। यहाँ पे मारा गया, बोला हट जाओ नहीं तो हम बहुत मारेंगे तुम। तो बंद होना चाहिए, ये तो सबको वीआईपी बनाओ। भोलेनाथ ऊपर है, भोलेनाथ बंद होना चाहिए। जिनको भगवान के मंदिर को बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने, आज हम 1000 किलोमीटर पैदल चलते आए तो क्या बाहर के मंदिर 21 किलोमीटर है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, 21 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, 4 बजे लाइन में लड़ा हूँ, जिसके पास रहते हैं उसको दर्शन हो जाते हैं, हमको नहीं। क्या हमारी भावना उनसे कम है?